या अली मदद। अलवाइज अबू अली वाइज नंबर 139। 19th सितंबर 1982 वाइज इन बेटू ख्याल इन द साउथ मेन जमात खाना ऑफ एडमंटन। शरीर थक गया है
आप आराम कर लो तो आपको जो सुख मिलता है वो उछरन में आवे। तरस लगी है, आपने पानी पी लिया, आपका दिल खुश हो गया, ये उछरन है। मगर आपको खुदा ताला के दीदार की तलब है, और वो तलब अगर पूरी हो गई तो ये आनंद है। आनंद अंदर की खुशी को कहते हैं, बाहरी खुशी को। इस विद जोग वचन, इसके बगैर विद कहते हैं, बगैर इसके जोग है वो मुश्किल है, नामुमकिन है। इस विद जोग वचन, लेकिन विद का अगर प्राकृत जबान से मतलब निकालें तो विद रस्ते को भी कहते हैं। हमारे ज्ञान भाषा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है, इतने मुश्किल है कि जब तक आदमी पीरों के उस जमाने की जो जबानें थी, एक नहीं कम से कम 24 जबानों का थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए, तब जाके जिनानों का मतलब निकल सकता है। 24 भाषा में हमारे जिनान बचे हुए हैं, और कोई एक जिनान ऐसा है कि कंप्लीट एक भाषा में होवे, लेकिन मोस्टली पीरों ने ये 24 भाषाओं में से बहुत सी भाषाएं ऐसे टाइम के एक जिनान के अंदर यूज की हुई हैं। आई इबादत करने वालों, अगर तुमने अपने मन को जीत लिया, यहाँ मन से मुराद इंसान की थिंकिंग है, यहाँ मन से मुराद माइंड है, अगर तुमने अपने थिंकिंग को, अपने मन को जीत लिया तो तुम्हारे मन की मुराद पूरी होगी। आबिद की मुराद क्या हो सकती है? आबिद की मुराद ये नहीं कि मैं बहुत कीमती मकान बनाऊं, या मेरे पास बहुत कीमती गाड़ी घोड़ा हो गए, या मेरे पास दुनिया की चीज हो गए। आबिद के लिए सबसे बड़ी मुराद ये है कि उसको इमाम का दीदार हो, मुर्शिद को राजी करे, मुर्शिद के करीब जाए, ये उसकी मुराद है। तो अगर तुमने मन जीत लिया तो तुम्हारी मुराद पूरी होती है, और अगर तुमने अपने तन को जीता तो तुम्हें खुशी मिलेगी। अरे तन की बात है, मन की बात है, और हृदय की बात है। इबादत करने वाले के लिए तन के ऊपर कब्जा और कंट्रोल भी बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि इबादत करने वाले आदमी को अपने तन की जरूरत है, और अगर तन कंट्रोल में नहीं तो दिन दर इबादत नहीं होती। बैठे हैं मौला के घर पे, वो रहीम और रहमान बादशाह है, किसी के ऊपर मेहरबानी कर दे बगैर उसकी कोशिश के, तो वो मालिक है, उसके ऊपर कोई नहीं जो उसको पूछ सके, लेकिन उसकी मेहरबानियां किसी किसी के ऊपर होती हैं, दूसरों को तो मेहनत करनी पड़ती है। इबादत के अंदर हम अपने बदन की जो ट्रेनिंग करते हैं उसको योग कहते हैं। यहाँ जो टेलीविजन के अंदर योगा के प्रोग्राम आते हैं वो योग और है, अलबत्ता उस योग के अंदर जो ये योगा प्रैक्टिसेस वगैरह वेस्टर्नाइज पीपल करते हैं, इंडिया पाकिस्तान वगैरह से सीख के आए हैं, उनमें फायदे हैं, वो बदन की एक्सरसाइज है, और वो भी बहुत अच्छी चीज है। आप कभी उसको भी फॉलो करो तो तंदुरुस्ती होती है, और अच्छी तंदुरुस्ती है वो इबादत के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आबिदों के लिए एक सेट किया हुआ कोर्स है, जैसे मेडिकल कोर्स है, जैसे इंजीनियरिंग कोर्स है, जैसे और यूनिवर्सिटी के कोर्सेज होते हैं, साइंस के कोर्सेज हैं, या लिटरेरी कोर्सेज हैं, टेक्निकल कोर्सेज हैं। दीनदारों इबादत का भी एक कोर्स है, उसकी भी कुछ मुद्दत है, बाद कोर्सेज 3 बरस के हैं, बाद 5 बरस के हैं। कोई आदमी 3 बरस की जगह 5 बरस ले लेता है, किसी को 3 बरस की जगह 2 बरस में भी पूरा होता है। इबादत का भी कुछ कोर्स है, और वो कोर्स इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने 5 बरस का सेट किया है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का एक फरमान है कि अगर मेरे फरमान के ऊपर तुम बराबर अमल करो और इबादत करो तो इंशाल्लाह 5 बरस के अंदर तुमको जरूर नूर की बख्शीश मिलेगी। उसने उसके 5 बरस लगा दिए।
वो कोर्स मैं आज आपको बताऊंगा कि वो कोर्स किस तरह से पूरा हो सकता है। पहली चीज तो यह है कि जिस आदमी को यूनिवर्सिटी तक जाना है उसको प्राइमरी तो पास करनी पड़ेगी। वो प्राइमरी स्कूल में गया ही नहीं तो हाई स्कूल में कैसे जाएगा, और हाई स्कूल में नहीं गया तो यूनिवर्सिटी में कैसे जाएगा। दो ग्रेड पास करके यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन करे तो वो तो इसकी एप्लीकेशन फेंक देंगे। 12 ग्रेड पूरे करने के बाद एप्लीकेशन करो तो उसके ऊपर तुम्हारा रिजल्ट वगैरह देख के फिर कंसिडर करेंगे। कभी वो रिजल्ट भी अच्छा ना हुआ तो 12 ग्रेड पूरे करने पर भी यूनिवर्सिटी नहीं लेगी। तो पहली बुनियाद से चालू हमें करना चाहिए, और वो बुनियाद यह है कि जिसको इबादत का शौक है, आपका दिल चाहता है। इस्माइली मजहब के अंदर हजारों साल से ये चीज चली आती है कि छुप छुपा के लोग रात को उठ के बंदगी करते हैं। सारा जहान सोया होता है 4 बजे, और हम हैं कि उठ के हाथ मुंह धो के इबादत पे बैठते हैं। क्यों भला? हमको बताया गया है कि कभी सुबह इबादत करोगे तो खुदा ताला राजी होगा, अपने करीब कर लेगा, अपनी बख्शीशें देगा। हो सकता है तो किसी दिन पर्दा उठा के जलवा भी दिखा दे, जिसको हम नूर कहते हैं। और नूर के लिए, नूर देखने के लिए तो नबियों ने भी आजिज़ियां की, आरज़ुएं की। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े साहिबे रिसालत थे, बहुत बड़े नबी थे, अल्लाह के प्यारे थे। एक दिन वाज़ करके जब बैठे तो एक आदमी आके कहता है, या नबी, आपने खुदा को देखा? तो मूसा अलैहिस्सलाम चुप हो गए, कहा, नहीं, मैंने खुदा को देखा नहीं। खैर वो आदमी तो चला गया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में बेचैनी हो गई। फौरन उठे और गए तूर के ऊपर। तूर पहाड़ पे जाके खुदा ताला से मुलाकात किया करते थे। ये तूर सीनाई वही मैदान है कि जहाँ 67 के अंदर इजराइल और इजिप्शियंस लड़े थे, और अभी ये थोड़ा टाइम हुआ तो ये सीनाई डेजर्ट ये सब वापस मिला। इस डेजर्ट के अंदर अभी भी वो पहाड़ के निशानात हैं, तूर सीना। गए तूर पहाड़ पे, ये वही तूर का पहाड़ है जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा ताला की पहली आवाज सुनाई दी और आपको उस वक्त नबुवत मिली। जब पहाड़ के ऊपर पहुंचे, अल्लाह को सलाम किया, जो मूसा, क्या बात है? कहता, या रब्बी, अरे ऐ मेरे रब, मैं तुझको देखना चाहता हूं। अल्लाह ने जवाब दिया, लम तरानी या मूसा, ऐ मूसा, तू मेरे को नहीं देख सकता। मूसा नबी उदास हो कि मैं नबी हूं, अगर मैं नहीं देख सकता तो दूसरों को मैं क्या कहूं। उसके दिल की हुब देख के अल्लाह ने फरमाया, अच्छा देख, ये जो सामने पहाड़ है मैं इसके ऊपर अपना जलवा फेंकता हूं। अगर पहाड़ ने इस जलवे को सहन कर लिया तो तू शायद मेरे जलवे को सहन कर ले, बर्दाश्त कर ले। अच्छा, अल्लाह ताला ने अपना जलवा एक अंक की पलक कितना, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, जब उस पहाड़ के ऊपर अपना जलवा डाला, पहाड़ जल के सुरमे की तरह पाउडर बन गया। आपका भी टोस्ट बहुत बड़ी तेज आग के अंदर रख दो तो टोस्ट जल के कैसा साफ हो जाता है। इतना बड़ा पहाड़ आंख की पलक में जल के काले रंग का पाउडर बन गया है, सुरमे की तरह हो गया, और मूसा नबी बेहोश हो गए। लेकिन ये जलवा किस सूरत में आया? वहां एक झाड़ था, एक दरख्त था, उसको अरबी में बलोत कहते हैं, इंग्लिश में उसका नाम है ओक, ओके। इस बलोत के दरख्त के ऊपर अल्लाह ने अपना जलवा जाहिर किया। सारा झाड़ आग की तरह हो गया,
लेकिन ये सारा नजारा एक आंख की पलक में हुआ। पहाड़ तो जल गया, मूसा नबी बेहोश हो गए। मूसा नबी थे इसलिए खाली बेहोश हो गए, कोई और इंसान होता तो वो भी जल के राख हो जाता। मैंने आपको ये वाकया कुरान शरीफ का इसलिए सुनाया कि खुदा ताला का जो जलवा है उसके सहन करने की हमारे में ताकत नहीं। इबादत इसलिए है कि हम उसके लायक बने। अच्छा, हमको खुदा का जलवा देखने के लिए लायक बनना है तो शराब पीने से लायकत आएगी? जो आदमी शराब पीते हैं वो इबादत नहीं कर सकते, जो सिगरेट पीते हैं वो इबादत नहीं कर सकते, जो झूठ बोलते हैं इबादत नहीं कर सकते, जिनकी आंखें में बदनजरी है वो इबादत नहीं कर सकते, जो लोगों को चीट करते हैं दगा फरेब करते हैं वो इबादत नहीं कर सकते, गंदे कपड़े लेके बांस मारता हुआ लिबास पहन के। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया कि तुम अपने माशूक के पास नहीं जा सकते, वो तुमको बाहर निकाल दे। तो हमारी एबीसी जो है, हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो यहां से शुरू होती है कि हमारे आमाल अच्छे होने चाहिए, हमारी तीन वक्त की दुआ बराबर होनी चाहिए, हमारी जमा खाने की हाजिरी बराबर होनी चाहिए और सारा दिन हमें इस बात की यादी रहनी चाहिए, जागरूकता रहनी चाहिए, इंग्लिश में कहते हैं अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरे से कोई बुरा काम ना हो, मैं गुनाह ना करूं। अगर एक इंसान इस तरह अपने ख्यालों के अंदर रहे कि मेरे से गुनाह ना हो, वो चौकन्ना रह रहे, अटेंटिव रह रहे, अवेयर रह रहे, अलर्ट रह रहे, तो जिंदा उससे गुनाह नहीं होंगे। गुनाह अगर करने जाएगा तो खुदा उसको खींच लेगा, मत कर, अंदर से उसको कहा जाएगा ये चीज खराब है अच्छी नहीं, मौला उसको हटा लेगा। जैसे जैसे इंसान अपने आमाल अच्छे करता जाएगा तैसे तैसे अंदर की जो कनेक्शन है वो साफ और अच्छे होते जाएंगे, अंदर से ही उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती रहेंगी। कोई आदमी आएगा उसको मिलने के लिए तो अंदर से उसको कहा जाएगा ये आदमी अच्छा नहीं है, दोस्ती के लायक नहीं, तो आदमी बस उसको यार यारी साथ सलामत करके छोड़ देगा, दूर रहेगा उससे। और कोई ऐसा आदमी मिल गया तो अंदर से कहा जाएगा ये दोस्ती के लायक है, इसकी संगत करो, अंदर से उसको प्रेरणा होगी। यहाँ बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ वो मेडिटेशन सिखाते हैं, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन वाले हैं, बहुत किस्म के ऐसे जिसके अंदर योगा के आसन बांध के फिर वो मेडिटेशन करते हैं। उन लोगों का एम ये होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, हमारी मेंटल इरिटेशन हट जाए, हमारी मेंटल टेंशन मिट जाए, हाइपरटेंशन निकल जाए, हार्ट बीट स्लो हो जाए, पल्स रेट नॉर्मल आ जाए। उनके तमाम जो दिए और एम है वो शारीरिक है, दुनिया के हैं, और वो चीजें उनको मिलती हैं, क्योंकि जो योग के आसन है वो फिजिकल एक्सरसाइज है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिजिकल एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर ठीक होता है, सर्कुलेशन बराबर होता है, डाइजेशन भी ठीक होता है, आदमी का सारा सिस्टम रेगुलेट हो जाता है, इससे इंसान का जो ब्रेन है वो अच्छी तरह से एफिशिएंटली काम करने लग जाता है। अच्छी चीज है, और हमको ये चीज इबादत में काम की है, अपनी शरीर को तंदुरुस्त रखना भी इबादत में बहुत काम का है। एक आदमी है जिसको चालू कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियात रहती है, वो आदमी जब सुबह उठने पहले तो उठ नहीं सकेगा, उसको लिए उठना बहुत मुश्किल है, और उसको सारी रात सपने आते रहेंगे। जिस आदमी का कॉन्स्टिपेशन है मोमिनो, उसको सारी रात सपने आते रहेंगे, उसको डीप स्लीप कभी नहीं मिलेगी। डीप स्लीप तो ये है कि आप जैसे ही पिलो के ऊपर सर डालो एक आधे मिनट के अंदर सो जाओ, और ऐसे सो जाओ कि दो घंटे की नींद आपको छह घंटे की नींद जितना एडवांटेज फायदा दे रहे, बेनिफिट दे रहे। आबिदों की जो नींद होती है वो छोटी नींद होती है लेकिन उसका फायदा बहुत होता है, कॉन्सेंट्रेटेड स्लीप कहते हैं उसको। आबिद लोग दो तीन घंटे सोते हैं लेकिन आठ दस घंटे की नींद जितना उनको फायदा मिलता है। और जो आदमी दुनियादार हैं
वो 10 घंटे भी सोने के बाद भी बदन के अंदर से कसल और सुस्ती नहीं जाती। हमारा जो एम है इबादत का, वो एम ये नहीं है कि हमारी मेंटल टेंशन घट जावे या हिपर टेंशन उतर जावे या हार्ट रेट बराबर हो जावे। हमारा एम हजरत इमाम के नूर तक पहुंचना है। मूसा नबी ने खड़े होकर कहा, या खुदा मुझे देखना है कि तू कैसा है। अल्लाह ने कहा, इस तरह तू नहीं देख सकता। हमारा यही मकसद है कि हम बैतुल ख्याल का बोल इमाम के पास जाके लेके आए। इमाम कहते हैं कि ये बोल तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं है लेना, लेकिन कभी तुमको ऐसा लगता है कि मैं रूहानी डेवलपमेंट करूं, मैं रूहानी प्रोग्रेस करूं और मैं आगे बढ़ूं, तो आओ बड़ी खुशी से ले जाओ। ये वो इल्म है इबादत का कि मौत के बाद मैं कहां जाऊंगा, मेरी मौत किस कंडीशन में होगी और मौत के वक्त मेरी हालत क्या होगी और मौत के बाद मेरा जीव कहाँ जाएगा, उस आदमी को पता लगता है जो इबादत करता है। जिस तरह वो आगे देख सकता है, इसी तरह वो पीछे देख सकता है कि भला मेरा जन्म कैसे हुआ। किसी आदमी को अपने जन्म का पता नहीं, माँ को पूछता रहता है, लेकिन यहाँ माँ की जरूरत नहीं, उसके अंदर सब रिकॉर्ड है, अंदर फाइलें भरी हुई हैं, उनके अंदर तमाम डेटाज हैं। उसको पता लग सकता है कि मेरा जन्म किस हालत में हुआ, और भी पीछे जावे तो पता लगेगा कि माँ के गर्भ में भला मैं कैसा था, और भी पीछे जाओ तो पता लगेगा माँ के गर्भ में आने से पहले कहाँ था। जा सकते हो पीछे जितना जा सकने की ताकत है, इसी तरह से आगे भी हम जा सकते हैं जितना जाने की ताकत है। हमारी जो इबादत है दुनिया के मेडिटेशन से, हमारी इबादत बहुत अजीम फर्क रखती है। हमारा एम नूरानी है, रूहानी है, उन लोगों का एम शारीरिक है या बहुत बहुत तो मेंटल कंडीशन तक आ गए बस। ये कहते हैं, अगर तुमने मन को जीत लिया, तुम्हारे मन की मुराद पूरी होगी। दुनिया और दीन दो चीजें सामने खड़ी हैं, प्रेफर करो किसको, एक को ले लो। आम हालत के अंदर जो नीचे की स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, जो प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल के अंदर हैं, उनकी हालत यूनिवर्सिटी से डिफरेंट होती है। पहले अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी करो कि 10 वन बराबर दो, जमात खाने की हाजिरी बराबर करो, 3 वक्त की दुआ बराबर पढ़ो, और जो हमारे मजहब की बाकी की क्रियाकर्म है, रही रस्म है, उसके ऊपर बराबर रहो। दिनदारों, ये हमारे मजहब की शरीयत है, मैं इसको प्राइमरी एजुकेशन कहता हूँ। सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर ये चीज आती है कि वो आदमी अपनी मजहब को समझे। दुआ क्यों पढ़ता है, 10 वन देने में क्या फायदे हैं, 10 वन दे के उसने तो क्या मिला, और हजरत इमाम के फरमान और गिनानों के ऊपर अमल करना वो सीखे, ये है सेकेंडरी एजुकेशन है। जब ये चीजें सीखने के बाद इमाम के हुजूर में जाके वो यूनिवर्सिटी में दाखिल होता है और बोल लेके आता है, तो फिर उसको ये छोटी चीजें प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में जो कुछ सीखा होता है उसको वहां यूनिवर्सिटी के अंदर काम आता है। उसके आमाल पाक होते हैं, उसका मन पाक और पवित्र होता है, उसके ख्यालों के अंदर कोई भी बदी बुराई नहीं होती, और वो अपने मन के ऊपर कंट्रोल रखता है। टेम्पटेशन उसको नहीं कर सकती खराब, उसको कोई लालच बिगाड़ नहीं सकता। उस आदमी को कोई गिरत हवा या कोई खूबसूरत औरत या कोई माल दौलत उसको फिरा नहीं सकता, वो अटल और डटा रहता है। ये है वो मन के जीतने की बात। और तन के जीतने से ये है कि भाई एक्सरसाइज करो, ऐसा खाना खाओ कि तंदुरुस्त रहो, पेट भी साफ रहे, हार्ट बीट भी ठीक होवे, लंग्स भी अच्छे होवे, हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, और बीमारी न होवे उसकी देखरेख रखो। हमारे पीरों के बहुत से गिनानों के अंदर हैं, खाना किस तरह खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। इस सदरजी ने 4 कैटेगरी की लोगों की, यानी लोगों से मेरा मतलब उसके मुरीदों की, मजहब के अंदर रस लेने वालों की, उसके जो मुरीद थे वो 4 कैटेगरी के अंदर आए। कि जो टॉप ग्रेड के थे उसको कहा वो पद्मनी की तरह है, जो नीचे उतरने वाले थे सेकंड ग्रेड के उसको चेतनी कहा,
फिर हस्तनी और संथनी चौथे नंबर के ऊपर आई। यजीपत मनी एक पाव बिरखा, अने दो पाव बिरखा हस्तनी और चेतनी, तो तृण पाव बरखा आया आरोग्य संखणी। जो टॉप दृष्टि हैं उनकी भूख आपको खाली समझाने के लिए बोलता हूं, ऐसा समझो कि 10 डिग्री की भूख है, 10 पाउंड जितना खा सकता है लेकिन 20 पाउंड खाता है, उसकी भूख का 25% खाता है। एक पाव बिरखा, दो पाव बिरखा अस्तनी, 50% अपनी भूख या वो उसके स्टेमिना के हिसाब से जितना हजम कर सकता है उसका 50% खाने वाले सेकंड ग्रेड के लोग हैं। थर्ड ग्रेड वाले हैं वो 75% खाते हैं, और जो फोर्थ ग्रेड है फिर कहते हैं आया आरोग्य जो कुछ भी आया खाओ, पेट की इस मश्क को इस ड्रम को भरते रहो चालू। ये चीजें हमको इबादत के अंदर या नुकसान करती हैं या फायदा करती है। जी पद्मणि तो प्रेम राचे अनगिनन राचे हत्तनी चेतनी, तो रंग राचे क्लेश राचे संखणी। पद्मनी है टॉप ग्रेड वाले, वो हर वक्त मोहब्बत वाले लोग हैं, हर वक्त मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत में रचे पचे रहते हैं। सेकंड ग्रेड के जो लोग हैं वो इल्म ज्ञान के अंदर मस्त रहते हैं। तीसरे ग्रेड के जो लोग हैं वो ऐश आराम खाया पिया मौज किया अपनी रंग रलियों के अंदर मस्त रहते हैं। और चौथे ग्रेड के जो लोग हैं वो देखते रहते हैं कि कहाँ झगड़ा करूं, वो क्लेश में मस्त रहते हैं। क्लेश कहते हैं झगड़े को, यहाँ भी सुख शांति होगी वहां कोई पांचड़ा मार देंगे कितना फिसाद हो जाएगा। ये सारा ज्ञान पढ़ो तो इसके अंदर ये ग्रेड हैं। इन ग्रेडों के अंदर पहले के जो दो ऊपर के जो दो टॉप ग्रेड के जो लोग हैं वो हमारे लिए हैं, इस्माइलियों के लिए। तो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि गुरपीर ने हमको फरमाया कि तुम अपने मन के ऊपर कंट्रोल रखो और अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल रखो। तंदुरुस्ती बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है अगर आपकी तंदुरुस्ती नहीं होगी तो पहली चीज ये है कि आप बैठक नहीं कर सकोगे। मैंने देखा है मुझे बैतुल ख्याल में आए हुए 48 ईयर्स हुए हैं, मैं 48 बरस से बैतुल ख्याल में हूँ और दुनिया की हजारों जमातों के अंदर गया हूँ। दिन ब दिन हमारे शरीर की कुवत जो है घटती जाती है। अगर शरीर की कुवत घटती जाती है तो मन तो उसके साथ वीक होता ही जाता है। शरीर का असर मन पे पड़ता है, मन का असर आत्मा और जीव के ऊपर पड़ता है। अभी हम लोग बैठक नहीं कर सकते। मैं रस्ते में अलवाज साहब को कह रहा था, मैंने कहा कि कारागुरा रात को 12 बजे से 5 बजे तक इबादत करते थे, 5 घंटे की बैठक होती थी। मौलाना अली शाह माबाप के जमाने के अंदर रात को 12 से सुबह 6 बजे की इबादत थी, 6 घंटे, और 6 घंटे वो एक ही आसन पर बैठते थे जैसे मर गए। उनमें कोई तरह की हिलचाल नहीं होती थी। खुद मेरे दादा जान से रात को 2 से 5 बजे तक बैठा करते थे, मैंने आंख से देखा है। इस तरह बैठ जाते थे जैसे कोई एक स्कल्प्टर ने पत्थर को काट के एक मूर्ति बना दी है, वो मूर्ति में कोई भी जीव नहीं, हिलचाल नहीं। यहाँ तो 10 मिनट होते हैं, कभी यूं खुजली होती है, कभी यूं खुजली होती है, कभी पाँव ऊंचा किया, कभी नाक सीधा किया,
इबादत क्या होगी? खाक होगी। मैं एक बार सुनाऊंगा आपको आगे चल के, आसन के ऊपर, एक ही आसन के ऊपर बैठना बहुत जरूरी है। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन कंटेनर है हमारे माइंड का, और हमारा जो माइंड है वो कंटेनर है आत्मा का। ब्रेन की एक्टिविटीज और एक्शन से जो ब्लड सप्लाई और उसको ऑक्सीजन मिलती है, उसके कारण से माइंड को एनर्जी मिलती है और माइंड एक्टिव रहता है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन घट जाती है, हमारी थिंकिंग ब्लैंक हो जाती है। और ऑक्सीजन जो जाती है दो तरीके से जाती है, एक तो ब्लड से जाती है, दूसरी हमारे सांस से जाती है। आमतौर पर हमारा सांस फेफड़े में जाता है और फेफड़े में ब्लड आके उसके साथ ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन इबादत के अंदर सांस फेफड़े में भी जाता है यानी लंग्स में, और थोड़ा सा सांस हमारे ऊपर जाता है जो डायरेक्टली ब्रेन में जाता है। ये इबादत की टेक्निक है जिसमें हमारे लिए बहुत आसानियां हैं, लेकिन ये टेक्निक सीखने के लिए हमने कभी कोशिश की ही नहीं। तो इबादत के लिए एक ही आसन के ऊपर हिले जुले बगैर बैठना जरूरी इसलिए है कि हमारा जो ब्रेन है वो फ्लोट करता है। ब्रेन के चारों तरफ लिक्विड है, पानी की तरह, पानी से थिकर है, ब्रेन फ्लोट करता है। हम कभी सो जाते हैं तो ब्रेन टेढ़ा नहीं हो जाता, ब्रेन इसी तरह से ऊंचा रहता है। हम घूमते फिरते हैं, कुछ भी करें, वो पानी के अंदर फ्लोट होता है और ऊपर की चीज ऊपर ही रहती है। सिवा कि हम ऊंधे हो जाएं, शीर्ष आसन करें, तो वो जो लिक्विड है वो नीचे आ जाती है। लेकिन फिर भी ऐसे आसन करने पर भी योग के अंदर ऐसी विद्या, ऐसी टेक्निक है कि ब्रेन भी ऐसा ऊंधा हो जाता है यानी सीधा ही रहता है। तो हमारे भेजे के आजू बाजू में जो पानी और लिक्विड है उसको स्टेबल होने में टाइम लगता है। अब पानी को थोड़ा ऐसा करके थोड़ा हिला दो तो पानी हिलना शुरू हो जाएगा, फिर छोड़ दो तो उसको सेट होने में कुछ एक आध मिनट लग जाता है। इसी तरह से हम बाहर से घूम फिर के आए, घर से आए, इधर बैठे थोड़ी देर तक, तो हमारा सांस जो है वो फास्टर होता है, बैठने से आस्ते आस्ते हमारा सांस सेटल होता है, हार्ट बीट घट जाते हैं, सर्कुलेशन स्लो हो जाती है। और इसी तरह से हमारे ब्रेन के आजू बाजू में जो लिक्विड है उस लिक्विड को भी सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी हर 5-7 मिनट के बाद आप शरीर को हिलाते रहे, खुजली करते रहे, पांव ऊंचा नीचा करते रहे, तो ब्रेन के इर्द गिर्द जो लिक्विड है वो सेट नहीं होती, वो डिस्टर्बेंस पैदा करती है थिंकिंग के अंदर। इसके लिए एक ही आसन बहुत जरूरी है। बात खत्म होने जाने के बाद मैं आपको एक दो आसन बताऊंगा जो इजी है और आपको हेल्पफुल होंगे। फिर कहते हैं अपने शरीर को काबू करो, कंट्रोल करो। फिर तीसरी लाइन में फरमाया है कि हृदय जीते आनंद उपजे। अरे हृदय यानी हार्ट को कैसा जीता जाए? हार्ट जीतने का मतलब ये होता है कि हमारी जो हार्ट की जो फंक्शन है वो बिल्कुल नेचुरल होनी चाहिए। जब एक आदमी एकदम खुशी में आ जाए तो हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है, अगर उसको कोई गम आ जाए या कोई शॉक लगे तो हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद भी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, अगर पेट खराब है तो भी हार्ट बीट फास्ट होती है। शराबी या स्मोकर, इसी तरह से कॉफी पीने वाले जिनको आदत है उनके भी हार्ट बीट बढ़ते रहते हैं। अगर आप हर 2-3 घंटे के बाद ऐसा सारा दिन के अंदर 5-6 कप अगर आप पीते रहो कॉफी, तो उसमें हार्ट कभी भी स्लो होएगा ही नहीं। और आहिस्ता आहिस्ता 5-7 या 10 बरस के बाद हार्ट चलता ही रहेगा फास्टर, उसको राहत नहीं मिलेगी तो हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। कॉफी जो है वो हार्ट बीट को ज्यादा करती है, इसलिए चालू कॉफी पीने वाले आदमी को जरूर 5-10-20 बरस के बाद हार्ट की ट्रबल होगी, क्योंकि हार्ट को रेस्ट मिली ही नहीं।
तो ऐसा खाना खाओ कि जिससे हार्ट को रेस्ट मिले। हमारे गिनानों के अंदर हमारे इमामों ने हमारे पीरों ने हमको फरमाया है, और आज साइंस भी ये कहती है कि गोश्त खाने वाले आदमी के जो हार्ट हैं वो वेजिटेरियन वाले हार्ट से ज्यादा वीक होते हैं। वेजिटेरियन जो लोग हैं उनके हार्ट ज्यादा अच्छे हैं नॉन वेजिटेरियन से। इसके लिए हमारे पीरों ने हमारे इमामों ने हमको कहा कि इबादत करने वाले के लिए ये जरूरी है, अल्लाह मेरिया गोश्त बहुत कम खाओ। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने तो बहुत फरमाया कि गोश्त मत खाओ। उसने 100% मना ना किया, थोड़ा सा इतना भी कह दिया कि थोड़ा जरूर खाओ, वीक में एक या दो दफा गोश्त खाओ। गुरपी रसम कबीर दीन 111 बरस की उम्र थी, सारी जिंदगी एक भी दफा गोश्त नहीं खाया। और फिर उसके अंदर मरक मसाला ये जो चीजें हैं ये तमाम चीजें हमारी हेल्थ के लिए खराब है, हमारी इबादत के लिए खराब है। तो फिर कहते हैं कि तुम अपने हृदय को जीतो। हृदय को जीतने से मतलब ऐसा खाना खाओ, ऐसी हैबिट्स पैदा करो कि तुम्हारे जो हृदय है वो मजबूत रहे और अपनी नॉर्मल कंडीशन में रहे। गुस्सा करने वाला आदमी, हसद करने वाला आदमी, जिसको शहवत रहती है, बद नजर आदमी, जिसके ख्याल नापाक होते हैं, ऐसे आदमी के हार्ट स्लो नहीं रहते, वो फास्ट ही रहते हैं और उनको हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो इबादत के लिए बराबर नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे हार्ट जो है वो सांस के साथ हमारे लंग्स के स्पीड के साथ हार्ट का ताल्लुक है, संबंध है। जब हार्ट बीट फास्ट होती है तो हमारे लंग्स ज्यादा फास्ट काम करते हैं, सांस बढ़ती और फूल जाती है, और हमको इबादत के अंदर जब मजा आता है या हम बराबर इबादत करते हैं तो दिनदारो नॉर्मली जो एथलेट्स हैं उनके हार्ट 44 और 50 के बीच में चलते हैं एक मिनट में हार्ट बीट। नॉर्मल आदमी की एक मिनट के अंदर 15 सांस लेते हैं, लेकिन अगर आप इबादत में चढ़ जाओगे तो साइंस या डॉक्टर इस चीज को सरप्राइज होंगे, कबूल नहीं करेंगे, लेकिन 30 तक हार्ट की बीट्स हो जाती हैं, 30, जो डेंजरस है उनकी नजर में। लेकिन और उधर देखो तो सांस जो है वो 5-6 हो जाते हैं, कभी 4 हो जाते हैं, 5 मिनट में एक सांस लेते हैं। तो ऐसा हृदय जो है वो कंट्रोल में आ जाता है, इससे इंसान को इतनी रिलैक्सेशन होती है, इससे इंसान को इतनी खुशी होती है। एक बहुत थका हुआ आदमी कभी वो टेक्निकली बराबर ध्यान से इबादत करे तो वो फ्रेश हो जाता है। तो ये हृदय जीतने की बात है। फरमाया इस बिज जोग बचंद, ये रास्ता है जोग लेने का, और बिज का ये भी मतलब है कि इसके बगैर तुम्हें जोग नहीं मिलेगा। अब मैं आपको पीर का वो पाठ सुनाता हूँ जो थोड़ा हमको और ऊपर ले जाए। अब आशा मारो चिंता जारो, अने हूँ खुदी करो रसोई, आसन जी तो निंद्रा जी तो, किरतार करे सो होई अब दू, किरतार करे सो होई। आशा मारो दुनिया की आशा आरजू इच्छा, मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, फरमाया इसको मारो कंट्रोल करो। अने हूँ खुदी करो रसोई, सेल्फिश बना ने हूँ बना, मैं ऐसा मैं पैसा, इसको खा जाओ। हम्बल बनो, नम्र बनो, जेंटल बनो, काइंड बनो, और दुनिया की आशा छोड़ो। जिस हालत में खुदा ने रखा है हम आवे तो रोजी नहीं तो रोजा, कभी खुदा ने मोटर दी है तो उसमें फखर मत करो, और पांव से चलने के लिए कहा है तो उसमें दिलगिर मत करो, कभी उसने फटे हुए कपड़े पहनने का मौका दे दिया है तो आमीन, और कभी आपको बादशाह बना दिया है तो उसमें फखर की कोई बात नहीं। ये है आशा मारो, और चिंता जो है दुनिया की फिक्र
फरमाया उसको छोड़ दो, दुनिया की फिक्र मत करो, वरी मत करो, कोई भी दुनिया की अगर हालत होवे वरी मत करो, आशा मारो, आशा धारो, चिंता जारो, हो खुदी करो रसोई, प्राइड और फखर और ईगो खा जाओ, आसन जीतो निंदरा जीतो। मैंने अभी आसन की बात की, एक आसन के ऊपर ऐसा आसन जीतो कि एक घंटा कभी नहीं तो शुरुआत के अंदर कम से कम 15-20 मिनट तो एक कंडीशन में बैठो और इसको इम्प्रूव करते करते आधे घंटे तक लाओ, पौने घंटे तक लाओ, एक घंटे तक लाओ, एक ही कंडीशन में बैठो। और फिर फरमाया है नींद के ऊपर भी तुम्हारा काबू होना चाहिए, जो आबिद है वो रात को 2 बजे सोएगा, 4 बजे फिर भी उठेगा और फ्रेश होएगा। नींद को गुलाम बनाओ, हम नींद के गुलाम ना बने। जब हमारी ये कंडीशन हो जाएगी कि दुनिया की मोह ममता माया और दुनिया की बड़ाई और दुनिया की मौज शौक और दुनिया के अंदर हम ऐश आराम करें उसके पीछे ही हम भागते रहें, तो दीनदारो इबादत तो बहुत दूर की बात है, हमारे ईमान में खलल पड़ जाएगा। अगर इमाम ने अपनी इमामत दे के ऊपर जो मैसेज भेजा, मैंने टोरंटो के अंदर 2 दफा उस मैसेज के ऊपर वाइफ की मैसेज पढ़ के, उसके अंदर माँ बाप ने ये मैसेज में लिखा है कि कभी तुमने दुनिया की मौज शौक और दुनिया की बातों और मटेरियल चीजों के पीछे ही भागना अपने जीवन का तुमने एम बना दिया, तो माँ बाप फरमाया तो याद रखो इविल फोर्सेस का वैक्यूम पैदा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस करोगे मत करने में पाओ कभी लंबे नहीं करोगे, ऐसा वैक्यूम पैदा हो जाएगा कि तुम्हारे दिमाग के अंदर शैतान आ जाएगा और तुम्हें कोई नसीहत कोई अच्छी चीज का दिल के अंदर असर नहीं होगा। दुनिया और मटीरियलिज्म जो है उसके अंदर इंसान के अंदर ईगो बहुत होता है, उसको गुरु मुर्शिद की सिखामन काम नहीं आती, मौला कहता है ये करो मगर वो नहीं मानता, वो अपनी हूंपनी के ऊपर रहता है, ये ईगो इबादत के अंदर बराबर नहीं। इबादत में जितने भी नम्र बनो, अपने शरीर को दुख देने की मैं बात नहीं कहता, लेकिन शरीर को दिनदारो इतना कंट्रोल करो कि आपका शरीर आपके ताबे में हो जाए। यदि हम इबादत में बैठे, आसन जमाए, नींद हमको बिल्कुल ना आए, हम फ्रेश और अलर्ट होंगे, तो अभी इबादत कैसे करनी, उसके लिए फरमाते हैं अब दू चंदा सूरज दोए रूपी राखो अने मन चित धरो इत गंदी सूक्ष्म तम पीवाजन लागे ए भेद किसे जे खंडी अगरू ए भेद किसे जे खंडी। चंदा सूरज अभी आसन जमाया, नींद में से निकल के होशियार हो गए, बैठक की तो फिर कहते हैं कि चांद सूरज को रोक रखो, हमारी जो राइट साइड की जो नोस्ट्रिल है नक्सोरा कहते हैं इसको, चांद सूरज कहा है जिसको इंगला कहते हैं, और हमारी लेफ्ट साइड में जब सांस चले तो ये चांद की किस्मत में लिया है और इसको पिंगला कहते हैं। एक नॉर्मल हेल्दी आदमी है उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं, तो 1 कलाक और 29 मिनट 1 आवर 29 मिनट उसकी एक साइड चलती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 मिनट तलक दोनों साइड चलती हैं, ये थोड़ी स्लो हो जाती है और दूसरी चालू होती है, तो जब ये दोनों साथ चलती हैं 2 मिनट होते हैं, तो विद इन 2 मिनट फिर ये पहली बंद हो जाती है और दूसरी चालू होती है, 1 आवर 29 मिनट एक चलती है, 2 मिनट 2 चलती है, एक
कला ऑर्गन 20 मिनट वो चलती है, ये एक दूसरे से टेक ओवर करते रहते हैं और ये साइकिल चालू रहती है। ये जो सूरज दिशा की साइड है यानी जिसको हम राइट साइड कहते हैं और पिंगला कहते हैं, इसमें तेज है, गर्मी है, शक्ति है, एनर्जी है, एक्टिविटी है। और जो लेफ्ट साइड है जिसको पिंगला कहते हैं, वो चंद्रमा की तरह है, उसके अंदर शांति है, ठंडक है, लेजीनेस है और स्लोनेस है। जब पिंगला चलती है, राइट साइड की हमारी नाक चलती है, तो उस वक्त माइंड को ऑक्सीजन ज्यादा मिलने के कारण से हमारा माइंड एक्टिव और अलर्ट ज्यादा होता है। और फिर जब लेफ्ट साइड चलता है तो फिर वो माइंड भी बड़ा स्लो हो जाता है। ये दिन और रात की साइकिल चालू रहती है। तो फिर कहते हैं चंदा सूरज दोए रोकी राखो, अपने मतलब ये है कि तुम्हारी कोई भी सांस चले उसको रोको। मैं आपको भी बताऊंगा, दोए को रोक रखो और मन को उस डांडी के ऊपर, यानी वो डांडी आपका बैतुल ख्याल का बोल है। फरमाया मन धरो, मन चित्त धरो इस डांडी, मन और चित्त दोनों यानी थिंकिंग और श्वास ख्याल कंसंट्रेशन वहां हो जानी चाहिए। सूक्ष्म ना तंति वाजन लागे, जब तुमने दोनों को रोक लिया तो सूक्ष्म ना जो है उसकी तार बजने लगेगी, उसमें वाइब्रेशन पैदा होगी। जब उसकी जो वाइब्रेशन होगी तो वो वाइब्रेशन का करंट ब्रेन की उस जगह पे जाएगा जिस जगह के ऊपर आत्मा का स्टेशन है। ये भेद किसे देखेंगी? फिर फरमाया उसके बाद जो भेद तुमको मिलेगा तो वो किसी किसी ने पाया है। जब हमारी दोनों नाक एक तरीके साथ चलती हों उसको सूक्ष्मना कहते हैं, और वो एवरी 1.5 आवर डेढ़ घंटे के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए आती है, और वो उसका टाइम डेली बदलता रहता है। 4 और 5 बजे के बीच में हर रोज सूक्ष्मना नहीं मिलेगी, 4-6 दिन के बाद एक दफा ऐसा मौका आएगा कि उस दरमियान में आपकी सूक्ष्मना चालू हो गए। अगर दिनदारों जब सूक्ष्मना चालू हो गए सांस लेना इजी होता है, डिफिकल्टी नहीं होती। तो उस वक्त जो कभी आपने सांस को रोक के ध्यान जो लगाया, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा। मगर वो सूक्ष्मना 2 ही मिनट रहती है, मगर उस 2 मिनट के अंदर भी कभी 2 सेकंड या 10 सेकंड भी आपका ध्यान अगर लग गया तो उसकी खुशी आपको कई दिनों तक याद रहेगी। इतनी खुशी मिलेगी के बाद छोड़ो, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन ऊपर तक जाती है। उस गिनान के अंदर जो सखी महापद केरीवाद का गिनान की मैंने बात की, उसके अंदर भी यही टेक्निक है कि सूक्ष्मना सांस को रोको। ये जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन वाले हैं, इन लोगों ने लगभग इसी तरह से थोड़ी सी बात बताई है अपने लोगों को। वो लोग क्या कहते हैं कि जब तुम बैठो 10 से 20 मिनट रोज कोई भी टाइम के ऊपर मेडिटेशन करो, वो कहते हैं कि अपने सांस को रोको, सांस को रोक के फिर मुंह को गोल करके उसमें से बोलो ओम, यानी वो एक वर्ड देते हैं। ये हमारी टेक्निक और हमारा रास्ता नहीं, मैं उन लोगों की आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि वो लोग इस तरह सिखाते हैं, वो भी सांस को और रोकना बताते हैं। हमारा तरीका भी और है, हमारा एम भी और है, हमारा वक्त भी और है, और हमारा ख्याल और ईमान भी जुदी टाइप का है। पीर का कहना यह है कि बैतुल ख्याल का जो बोल है, जब ये सांस ऊपर जावे तो उसके अंदर अपने इस्मे आजम को बोलो। ये टेक्निक सत्वेनी की वेल के अंदर भी जिक्र की गई है। जब ये सांस आप ऊपर लो तो अपने बोल को बोलो, 10 सेकंड अपनी सांस को रोको, फिर बाहर निकालो तो अपने बोल का जाप करो, फिर
पांच दस सेकंड इसको रोक के फिर सांस जब आप अंदर लो तो अपना जाप बोलो, ये साइकिल और प्रैक्टिस चालू रखो। इस प्रैक्टिस और को 10 से 15 मिनट तक कॉन्सेंट्रेट एक शरीर की हालत में पाने के लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 बरस चाहिए। अगर इमाम के एक फरमान में है कि सुबह की जो बैतुल ख्याल की इबादत है वो थका देने वाली है, मैंने आपको 1.5 से 2 बरस कहे तो खाली सुन के ही इंसान का दिल छोटा हो जाता है, इतना टाइम। लेकिन जिसको करना है ये उसके लिए, इसीलिए मौला फरमाया बैतुल ख्याल का जो रास्ता है वो आसान नहीं मुश्किल है। मौला फरमाया थका देने वाली चीज है, आदमी को बहुत वाज वगैरह सुन के या मन में किसी ऐसा कोई ख्याल पैदा हो गया तो चलो इबादत करो, और हमने इबादत शुरू कर दी 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने बस फिर हम ढीले हो जाते हैं। हर 3 महीने के बाद एक सताड़ा डाला जाता है ताकि जो लोग सुस्त हो गए हैं उनको थोड़ा स्टेप अप मिल जावे। सताड़े के अंदर लोग आते हैं मगर जैसा ही सताड़ा पूरा हुआ उसके दूसरे ही दिन 75% आदमी घट जाते हैं। वो तो इसलिए सताड़ा डाला कि आपको थोड़ा कुछ पुश मिले, कुछ बूस्टिंग मिले, लेकिन हम फिर सुस्त हो जाते हैं। इबादत उस आदमी को फायदा देती है कि जो चालू करता रहे दिनदारों। बाद आदमियों को 20-30 बरस लग गए कि वो इबादत की खास जगह के ऊपर पहुंच सकें। मौला भी फरमाया 2 बरस 4 बरस 10 बरस राह जो भी पड़े थे कोई चीज की प्राप्ति के लिए। और फिर इमाम फरमाया है ये ऐसा नहीं है कि एक जग है पानी का भरा हुआ, तुम्हारा मन हुआ कि मुझे पानी पीना है तो गलास में डाल के तुमने पी लिया। हज़रत इमाम फरमाया कि तुम ख्याल की इबादत ऐसी नहीं, तुम इबादत करो बाकी उस मौला को छोड़ दो, क्योंकि इबादत के अंदर नूर का पाना या कोई बख्शीश रूहानी तुम्हें मिले वो कोई तुम्हारा हक नहीं है, तुम तो भीख मांगती हो या मौला मैं बेग करता हूँ, देना ना देना उसके ऊपर है। मगर वो ऐसा सखी दाता है कि उसके दरबार में से कभी कोई निराश होके अपनी खाली हाथ लेके कभी नहीं आया। लेकिन हमको जाना चाहिए और हमारे अंदर धीरज होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए कि आज नहीं कल नहीं परसों कभी भी। मैंने आपको अर्ज की कि 20-30 बरस लग जाते हैं मगर ये है वो रास्ता कि जिस रास्ते के ऊपर चलने से आपको जो चीजें मिलेंगी। दीनदारों हज़रत इमाम फरमाया दुनिया के अंदर तुमने कभी अच्छा टाइम देखा होगा, माल दौलत में, तंदुरुस्ती में, इज्जत आबरू में तुमको तो खुशियां मिली होंगी, मगर इबादत की जो खुशियां हैं और इबादत की जो दौलत है उसके सामने बाकी दुनिया है चल कुछ समान कुछ नहीं। इस रूहानी दौलत को इकट्ठा करना है, हमें मरना तो है, मरने के बाद भी हमको बंदगी तो करनी है, तो बहुत सी बंदगी हम एडवांस में करें तो मौत के बाद हमारी प्रोग्रेस बहुत रैपिड हो जाएगी। और एक दूसरी बात यह है कि एडवांस में आज कभी हम इधर बंदगी करेंगे 1 बरस की तो मरने के बाद शायद वो 1000 बरस की बंदगी के बराबर है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि अगर तुम बराबर 10 मिनट बंदगी करो बराबर तो फरिश्तों की 40 बरस की बंदगी के बराबर है। ये वो रास्ता है कि जिस रास्ते के ऊपर हमें शौक होना चाहिए, खूब होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। ये एक किस्म का योग है, ये एक किस्म का साधुपना है। और इसके साथ एक बड़ी मुश्किल चीज ये है, पहले जमाने के अंदर या आज भी बहुत से लोग दुनिया तज देते हैं, बीवी बच्चे छोड़ देते हैं, बिजनेस रोजगार छोड़ देते हैं और मठ में जाके, जंगल में जाके, किसी कैंप में जाके, पहाड़ के ऊपर जाके, गुफा में जाके वहां वो इबादत करते हैं। हमारा मजहब ये नहीं कहता, हमारा मजहब ये कहता है कि दुनिया भी संभालो, दीन भी संभालो, बिजनेस करो, रोजी पैदा करो, शादी करो, बच्चे भी होंगे, मात पिता का ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो, मियां बीवी एक दूसरे का प्यार करो, घर के अंदर, फैमिली के अंदर, रिलेटिव के अंदर हमारी नॉर्मल जिंदगी होनी चाहिए। लेकिन हमारा मन, हमारा आत्मा वो तो इबादत के अंदर मशगूल रहने। आपको जब इबादत की 10-10 बरस की आदत हो जाएगी तो मोमिनों फिर ऐसा होगा कि अंदर ऑटोमेशन आ जाएगी। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन ये है कि आप दुनिया का कोई भी काम करते होगे आपका जीव जाप करता होगा और आप उससे गाफिल नहीं होगे, आप
तो हर वक्त इस बात के लिए अलर्टनेस रहेगी कि मेरा जीव जाप कर रहा है। आप दुनिया के काम कर रहे हो, मोटर चला रहे हो, लिख रहे हो, अकाउंट कर रहे हो, दुकान के ऊपर सौदा बेच रहे हो, ग्राहक को एंटरटेन कर रहे हो, लेकिन अंदर जाप चालू है और वो जाप 23 घंटे रहेगा। आप कभी नींद में भी चले जाओगे तो नींद के अंदर भी आपके अंदर जो जीव है वो जाप चालू रहेगा, और वो इस तरह चालू रहेगा कि आप कभी अटेंटिवली सुनना चाहोगे तो उसके अंदर की आवाज भी सुन सकोगे। इस दर्जे के ऊपर पहुंचने के बाद फिर दुनिया के अंदर लिपट जाने का, स्लिप हो जाने का डर नहीं रहता, क्योंकि चारों तरफ से इमाम की उसको पकड़ होती है। ऐसे आदमी दुनिया के अंदर उस आला दर्जे के मोमिनों में आते हैं कि जो इमाम जमान के उसकी छतर छाया में रहते हैं और बख्शिश पाते हैं। वो तो ऐसा गर्दन झुकाते हैं और इमाम को देख लेते हैं। मैंने आपके सामने काफी लंबी वाइज की जिंदा रू, मुझे आशा नहीं थी, चाहता था कि आधा घंटा वाइज करके बैठूं, लेकिन लगभग 1 घंटा हुआ। मैंने आपको बहुत सी डीप बातें की हैं। मेरी अर्ज है एसोसिएशन को कि ये जो टेप है इस टेप को रिजर्व करके रखें और कॉमन न हो, लोगों के हाथ में न जानी चाहिए। बैतुल ख्याल की चीजें हैं जो सबकी समझ में नहीं आ सकती, कभी खास खास लोग ही इसको समझ सकते हैं। अब मैं शिला पाठ बोलूं, और वो भी अब्दू ही का पाठ है, इस समझ का जिनान है। अब्दू सब अवगुण तजो त्रवेणी नालो अने अनहद नाद बजावो कह पीर शमत जीवता मरिए तो अवरत जन्म न पावो। अब्दू अवरत जन्म न पावो। अब्दू जोगी युग माहे जाके मन दू जा रे नाही। अब दू ते जोगी युग माहे आय। अब दू सब अवगुण सजो, सब बदियां और गुना छोड़ दो। त्रवेणी नालो, ये त्रवेणी इंगला पिंगला सूक्ष्म, इसके अंदर मस्त रहो। कहे फिर शम्स कि कभी तुमने सब बदियां बुराइयां गुना अवगुण छोड़ दिए और ये त्रिवेणी के अंदर यानी इबादत के अंदर तुम मस्त रहे, तो फिर कहते हैं अवरक जन्म न पाओ, फिर कोई वेस्ट करने वाला जन्म तुमको दूसरा लेने की जरूरत नहीं। अब रूते जो भी चुकना है। बोला आपको सुखिया बात कर, मौला आपको नूर की बख्शीश दे, हर गुनाह बदी से बचाए, हर नाफरमानी से दूर रखे, शैतान के फरेब से दूर रखे। मौला आपका ईमान ज्यादा करे, मौला दसवन सुखरी इतने पूरा रखे, मौला आपको इबादत का शौक दे रहे, मौला इबादत के अंदर मददगार बने, मौला आपको हकीकत समझ दे रहे, मौला अपनी मारिफत दे रहे, मौला हजर इमाम आपके दिलों को अपने नूर से हमेशा भरपूर रखे और आपको बातिनी दीदार की नवाजिश करे। हाय वीरा पाठ मदीस सुन दड़ चाल सी, वीरा पाठ मदीस सुन दड़ चाल सी, मेरो